प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, और आज जो है मैं अपना ब्लॉग किचन से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं अभी आई हूँ किचन में चिकन को चलाने के लिए। मैं बना रही हूँ चिकन, ऐसे खाना वाना मैंने कुछ नहीं बनाया, सब मेरी भाभी ने बनाया। बस मैं चिकन बना रही हूँ, क्योंकि चिकन के समय वो नहाने चली गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चिकन बना लूँ। ऐसे मैं चिकन बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, अपने मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ मैं। लेकिन नहीं, सभी बोलते हैं कि मैं चिकन बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बना लूँ। आज मेरे हाथ की भी मेरी भाभी खा लेगी और वो भी बताएगी, जज करेगी कि मैं कैसा बनाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको चला लूँ, क्योंकि चिकन को अगर आप बीच बीच में नहीं चलाते रहेंगे तो चिकन नीचे से लग जाती है, तो इसीलिए मैं चलाने के लिए आई हूँ। पहले मैं अपना मोबाइल को जो है सेट कर लूँ। क्या दिखाऊँ? चिकन कैसे बन रहा है? देखो चिकन कैसे बन रहा है। मेरी बेटी भी बोली कि देखिए जरा हम चिकन कैसे बन रहा है, तो उसको दिखा दी हूँ। उसको खाना बनाने का बहुत शौक है, सिर्फ पढ़ाई करने का शौक नहीं है, बाकी सारा शौक है उसके पास। वो बोलती भी है कि मम्मी मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है, पर पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, जब आप बड़ी होइएगा ना थोड़ी सी, और अरे बाप रे, थोड़ी सी और बड़ी हो जाइएगा ना, तब आप बनाइएगा, मम्मा बनाइएगा और मम्मा को खिलाइएगा, ठीक है? मुझे पैनकेक आता है। गुड, वेरी गुड, इसको मत खींचिए। और हम सारे लेडीज डिपार्टमेंट जो है वो सभी ने अपने बाल में जो है कलर लगाया है, मेहंदी लगाया है, इसलिए कि मेरा जो भाई है, मेरे मामा का जो बेटा है, उनका जनेऊ है, तो इसीलिए हम लोग एंटी पेंटिंग कर रहे हैं। एंटी पेंटिंग मतलब तैयारी कर रहे हैं। मेरे मम्मी के लैंग्वेज में मैंने अभी बोला है, मम्मी बोलेगी तुम लोग अपना एंटी पेंटिंग कर लो भाई, नहीं तो टाइम नहीं रहेगा तो तुम लोग चिल्लाएगी, मैंने ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई, इसलिए तुम लोग अभी से ही शुरू कर दो। तीन चार दिन भी नहीं है, 2-3 दिन है, और जब कोई फंक्शन रहती है घर में तो टाइम कैसे निकल जाता है कहना मुश्किल होता है, तो इसीलिए कर लेते हैं। क्यों हम लोग खा रहे प्रिकिया, जो मेरे भाभी के घर से आया, उनकी मम्मी ने बनाया है ये प्रिकिया, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे मैं सूजी की प्रिकिया नहीं खाती हूँ, खोया का प्रिकिया पसंद है ज़्यादा, लेकिन ये इतना टेस्टी है कि मैं अभी खा रही हूँ इसे। जब हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो हम लोग साथ ही आए थे, तो उस समय भी खाए थे, उस समय बहुत अच्छा लगा था। और उन्होंने लिट्टी बनाया था तो वो भी बहुत टेस्टी था लिट्टी, तो लिट्टी तो गाड़ी में ही ख़त्म हो गई, रास्ते में ही ख़त्म हो गई, लेकिन प्रिकिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा था, तो घर तक आया है, हम सब खा रहे हैं इसे। का जितना सामान होता है वो हो गया है, 2 जगह जनों का सामान जाएगा, इसलिए इसमें पूरा फुल है। थक गया, बहुत थक गया ठीक ठीक करने की, क्योंकि बहुत चीज़ होता है ना, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, फिर से डोरा डोर और पता नहीं क्या क्या, वो सब ठीक कर रहे थे। हम 3 आदमी भिड़े हुए थे इसमें, मैं, मम्मी और भाभी उस रूम में है, तो वो 3 आदमी मिल कर ठीक किए हैं, तब जाकर ठीक हुआ है। हाँ, और मेरी जो मिस्टी है वो भी मेरा बहुत हेल्प की है, बहुत कॉपरेट की है ना।
कैसी होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एक झोला में तो कपड़ा ही है। सही बात है, एक झोला में कपड़ा ही है, लेकिन उस कपड़ा में बहुत कुछ दिया जाता है, वो तो अभी मैंने बताया ही। उसके बाद अब भीख दिया जाता है बरुआ को, जिसका जनो होता है उसको बरुआ बोलते हैं, उस लड़के को, तो उसको भीख दिया जाता है। उसमें चावल, चूड़ा, लाई, मिठाई, फ्रूट्स और बतासा उतासा जितना ये सब डाला जाता है, तो वही सब सब ठीक कहते हैं, क्योंकि दीन जो है बिल्कुल नहीं है, गिन गुद के दीन है, तो इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। और हम लोग को भी तैयारी करना पड़ रहा है कि कौन सा साड़ी पहनेंगे, कौन सा फंक्शन में कौन सा ड्रेस पहनेंगे, सूट पहनेंगे कि साड़ी पहनेंगे, और अगर पहनेंगे जो भी पहनेंगे वो किस दिन क्या क्या पहनेंगे, तो वो सब भी हम लोग को ठीक करना पड़ रहा है। किसी का ब्लाउज ठीक नहीं है, तो किसी का साड़ी में पिको नहीं लगा, फॉल्स नहीं लगा, तो वो सब भी हम लोगों को ठीक करना पड़ा। कैसी हालत है मेरी अभी, उफ। हमें सुपारी के खत बे खत 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 खोदा है, मट्टी कर कचीरा खोरा है, एक किया है। अभी शाम का समय है और ये मेरा बड़ा वाला भाई जो है वो झाल मुरी बनाया है। ये देखिए झाल मुरी नहीं करेंगे वो वीडियो में आना नहीं चाह रहा है, तो उसने बोला मेरा कट करो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये देखिए झालमुरी बनाया, एक्चुअली वो झालमुरी ना बहुत टेस्टी बनाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोले हैं। लेकिन वो अपनी वाइफ को जो है, मेरी भाभी को बहुत परेशान किया है। अब छोटा वाला भाई को बोला है मिक्सचर ख़त्म हो गया लेके आओ, तो वो मिक्सचर लेके आया है। वो पहले बोला कि धूप है नहीं जाएंगे, तो उसको बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया, बेचारा उठ के चला गया मिक्सचर लाने के लिए। उसके बाद अपनी वाइफ को बोला चना उबालो, आलू उबालो, ये सब उसकी वाइफ को जो है उबाल के दिए, तब ये झालमुरी बनाया। टेस्टी बनाता है लेकिन परेशान सबको करता है, तो वही खा लेती हूँ। और थोड़ा झाल है तो झाल भी लगा हुआ है, ये देखिए पानी बोतल लेकर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये है मेरा छोटा वाला भाई जिसका पीछे से दिख रहा है कुछ कर रहा है। देखिए ये मेरी भाभी है और ये रेड की इतनी बड़ी दीवानी है, बोलते कोई भी कलर लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन जो रेड की बात है वो किसी और कलर में नहीं है। सो देखिए खूनी भाभी को देखिए, इनको खून से ज़्यादा प्यार है, इसलिए रेड कलर से ज़्यादा प्यार है ना। नहीं रियली ये मेरी भाभी है, इनको रेड कलर अच्छा लगा, सभी कलर लगाती है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो बात रेड कलर में है वो किसी और कलर में नहीं है। अच्छा ये देखो और मेरी बेटी मामी की दीवानी है ना बेटा, ये देखिए तैयारी जो है ये कोई आम तैयारी नहीं है, ये तैयारी मेरे भाई के जनेऊ की तैयारी है। और हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा दिन है नहीं, कल या परसों हम लोग को जाना है, चाहे कल निकलेंगे चाहे परसों निकलेंगे, लेकिन अब निकलना मस्ट है, इसलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लड़कियों जब तक तैयार ना हो तब तक तो सारा काम अधूरा रहता है ना, है ना। कल ठीक है कल ही जाएंगे। मेरी बेटी तो आस्था आस्ते के खेलने के लिए तो बोलेंगे तो अब भी चल जाएगी, वो कल का भी वेट नहीं करेगी, बोलेंगे जाओ तो अब भी उठ के चल जाएगी आस्था आस्ते से खेलने के लिए। फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे स्टॉप, और कल से जो है नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं जो चाहती हूँ कि जनों का और कुछ इंक्लूड ना करें, क्योंकि ये डेली ब्लॉग है, घर का ब्लॉग है, इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी इसको। अगर मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात की, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे मैं इतना मेहनत करी, थोड़ी सी आप भी मेहनत कर लो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, रेड बटन को क्लिक करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सब कुछ बोलते हैं, हाँ सब कुछ, ओके okay.